धर्मनगरी हरिद्वार में एक बीजेपी नेता की करतूत ने हर किसी को शर्मिंदा कर दिया है। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी और उसके साथी अमित सैनी पर एक 13 साल की लड़की के गैंगरेप में मुब्तला होने और फिर उसकी हत्या का आरोप है। जी हाँ, मासूम बच्ची के गैंगरेप और हत्या से दहल गया है हरिद्वार और उत्तराखंड। लड़की की मजलूम माँ उसे दर दर ढूंढती रही और 6 आरोपी उसकी बेटी को नोचते रहे। लड़की की माँ ने बीजेपी नेता आदित्य सैनी और अमित सैनी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमित सैनी, आदित्य कौन है, क्या करते हैं लोग? आदित्य तो प्रधान हो, वो प्रधान के दौरे रहा था अमित सैनी। हाँ जी, मामला क्या था ये? कब बच्ची घर से गई, कैसे गई, क्या जाने गई? उसने फोन करके बुलाई थी। अच्छा, और मेरे तो ना जी, और मेरे तो झूठे कह दिया हुआ तो जन्मदिन में किसी लड़की की। हाँ जी, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? उसे फांसी होनी चाहिए थी। बताया जाता है कि 23 जून को मां की गैर मौजूदगी में नितिन नाम का लड़का लड़की को बर्थडे पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। जब लड़की की मां घर लौटी और अपनी बेटी को फोन लगाया तो फोन अमित सैनी ने उठाया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी लड़की आज रात तक या कल सुबह तक घर पहुंचा दूंगा, लेकिन फिर लड़की का मोबाइल ऑफ हो गया। सुबह बच्ची की माँ प्रधानपति और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य सैनी के घर पहुंची। आरोपी अमित आदित्य सैनी का आदमी है और उसी के साथ रहता है। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां की बात सुनकर बीजेपी नेता और ओबीसी आयोग का सदस्य आदित्य सैनी ने उसे धमकाया और पुलिस के पास न जाने की धमकी दी। 23 तारीख की शाम से लड़की घर से निकली थी, उसके बाद ये वापस नहीं आई थी। तो पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा था कि ये लड़की एक नितिन नाम के लड़के के साथ, जो ये मृतका का जो दोस्त है उसका भाई था, उसके साथ निकली थी। और नितिन के साथ 3 दोस्त अन्य थे, इनके द्वारा ये एक ब्लड मोटरसाइकिल मिल गई थी। उसमें इनके द्वारा इस लड़की को पार्टी के बहाने बनाया गया था और साथ में इसको नशा भी कराया गया। लड़की को बियर पिलाया गया, जब इसका अत्यधिक नशा हो गया तो उनके द्वारा इसको रेप इसके द्वारा इससे किया गया। पुलिस ने उन सभी अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, उनकी अरेस्टिंग की गई है। इसके बाद उसको डराते हुए ये लड़के उसके घर के सामने छोड़ के चले गए कि भाई तुमने अगर किसी के सामने खोला तो आप ले अच्छा नहीं। पुलिस के मुताबिक 13 साल की नाबालिग के साथ बर्थडे पार्टी के नाम पर 6 लोगों ने नशीली चीज खिलाकर गैंगरेप किया, फिर उसे रास्ते में फेंक गए। लड़की अपने साथ हुई वारदात की जानकारी देने अमित सैनी के पास पहुंची, क्योंकि वो पहले से उसे जानती थी। ऐसे में अमित ने उसके साथ फिर रेप किया और गुस्से में अपने घर वालों की मदद से मार मार कर उसे अधमरा कर डाला। इतना ही नहीं, ये लोग भी उसे सड़क पर फेंक गए, लड़की की मौत हो गई। इस सनसनीखेज घटना के बाद हरकत में आई उत्तराखंड पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन बीजेपी नेता अब भी फरार है। पुलिस के संज्ञान में जब ये सारी बातें हमारे आई हैं, इसमें हम लोगों ने 6 लोगों की अरेस्टिंग करी है, जिसमें अमित सैनी, उसकी माँ और उसके घर के अन्य लोगों के साथ साथ जिन लोगों ने इसके साथ रेप किया था, उन अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट करते हुए 6 लोग अभी तक अरेस्ट किए हैं। आदित्य राज सैनी को यह पता था कि यह लड़की की सुबह मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी उसने पुलिस को इस संबंध में न तो कोई सूचना दी न ही, और इसके बाद इसके साथ साथ इसको कंसील करने का भी प्रयास किया। इसलिए आदित्य राज सैनी को 120 दिन में हम लोगों ने शामिल किया है और साथ में, और बार बार वो जो मृतका की माँ है उसको पुलिस के पास जाने से रोकता रहा। यह गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, इसलिए पुलिस के द्वारा उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। साथ में 2 अन्य लोग जिनको अभी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया, उधर मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने आरोपी नेता के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। बीजेपी ने आरोपी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में नाम आने के बाद आदित्य राज सैनी की ओबीसी आयोग के साथ ही पार्टी से भी छुट्टी कर दी गई है। सैनी को ओबीसी आयोग में सदस्य और बीजेपी ने ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पद से हटा दिया है। सैनी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही 14 मार्च को आयोग में सदस्य बनाया गया था।
इसी के साथ सैनी को बतौर सदस्य मिली सुविधाएं भी वापस हो गई हैं। भाजपा ने उसे ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पद से हटा दिया है। उधर एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बहादराबाद मामले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कुमार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। गैंगरेप और हत्या मामले में फरार बीजेपी नेता को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। 6 लोग तो हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन 2 अभी फरार हैं। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के साथ ही रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ कर सुराग जुटाने में लगी है। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ले रही है। पुलिस टीम द्वारा कई मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाली जा रही है।